सो हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन टॉक गाइस। आज मैं चला रहा हूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर और ये पिछले 8-10 दिनों से मेरे साथ में है। लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ और आज इस वीडियो में POV फॉर्मेट में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या टोयोटा फॉर्च्यूनर 60 लाख रुपीज़ का अगर आप लोगों का बजट है तो इसको आप परचेज़ करना चाहिए या नहीं परचेज़ करना चाहिए, और अगर परचेज़ करना चाहिए तो क्या रीज़न है, और क्या अगर नहीं परचेज करना चाहिए तो क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से आपको परचेज नहीं करना चाहिए। सारे प्रोज एंड कॉन्स आप लोगों को इस गाड़ी के पता चलने वाले हैं, क्योंकि 2000 किलोमीटर मैंने इसको अपनी, ये है तो मीडिया कार बट हैज अ पर्सनल कार जो होती है ना, मतलब जिसको आप खुद रखते हो और सारी टेक केयर एंड ऑल करते हो और आप अगर परचेज कर लेते हो तो उसके बाद आपको कैसा फील होता है, वैसे मैंने जो है इसको रखा है और सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। अपनी फैमिली के साथ मैं ट्रिप कर ली, अपने फ्रेंड्स के साथ में घूम लिया, सब चीज़ें करी मैंने, तो वो चीज़ में अपने को मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ, अगर ये गाड़ी मेरे पास होती तो मैं क्या ओपिनियन इसका रखता, इस कार का, वो आज मैं आप लोगों को हैज अ काइंड ऑफ ऑनरशिप जो है एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्यूविंग एंगल गाड़ी का, बहुत ही बढ़िया कमाल का व्यू जो है वो आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। ORVM और चाहे IRVM दोनों से ही बहुत ही बढ़िया व्यू जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। एंड देन उसके बाद में अगर बात करें कि सीट हाइट वगैरह कैसी है, तो आपके पास में बहुत ही बढ़िया ऑप्शन जो है वो रहता है एडजस्टमेंट सीट हाइट का, आप आराम से सीट हाइट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आपके पास में स्टेयरिंग के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस जो हैं, एडजस्ट करने के, हाइट आप कम ज़्यादा करनी है, रीच आपको एडजस्ट करनी है आप कर सकते हैं, तो कोई परेशानी जो है वो आपको व्यूइंग एंगल से रिलेटेड होने नहीं वाला। बोनेट भी आपको बढ़िया मस्त वाला जो है वो दिख जाता है, और अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप 6'2" 6'4" भी हैं, तब भी आप इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी तरीके से चला लेंगे। रीज़न ये है कि इसकी जो सीट हाइट है वो काफ़ी नीचे भी हो जाती है, और अगर आपकी हाइट कम है तो सीट हाइट काफ़ी ऊँची भी हो जाती है, तो आपको परेशानी जो है वो बिल्कुल नहीं होने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपका जो अर्गोनॉमिक वाइज कैसी है, कंफर्ट वगैरह कैसा है, तो कंफर्ट में थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स दोनों मिक्स है। अर्गोनॉमिक वाइज गाड़ी बहुत ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी हाइट 5'10" है, नॉर्मल बिल्ट अप पर्सन हूँ, इजीली सभी चीज़ें जो है वो रीच में आ जाती है, तो दिक्कत जो है वो या परेशानी नहीं आती है। अभी मैं अपना जो जयपुर भिलवाड़ा एक्सप्रेस वे है इसके ऊपर चल रहा हूँ और दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, तो आज 500 किलोमीटर की रनिंग और हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो गाड़ी के साथ में हो गया है। अब जो कंफर्ट की बात करी थी मैंने, तो देखो सीट जो है वो गाड़ी की नो डाउट कंफर्टेबल है, सीट में कोई परेशानी नहीं है। अगर बड़े गड्ढे वड्ढे में से भी निकलती है या बम्प वगैरह पे भी आता है तो आपको सीट जो है वो झटका नहीं देती है। कमर कभी भी मेरा ऐसा नहीं होगा, ओ यार कमर पे लग गई, पेट में लग गई, या शोल्डर वगैरह एकदम से पेन होने लग गया, वैसे झटके जो है वो गाड़ी के अंदर नहीं आते हैं। बट मैंने जो बोला था ना कि थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, वो सीन ये है कि यार गाड़ी के अंदर कंटिन्यूसली ऐसे इफ़ेक्ट शो होता है कि कार जो है वो हिल रही है, या जो किसी भी सरफेस से अगर गाड़ी निकल रही है तो वो सरफेस आपको अंदर फील हो जाता है। आप बैठे हुए हो, आपकी सीट थोड़ी सी बहुत हिलती रहेगी, आपका स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा मूव करता रहेगा, जो भी अंडुलेशंस वगैरह से जा रहे हैं, तो सस्पेंशन जो है वो हैं बट नहीं है, ये मान सकते हो आप, क्योंकि अगर आप दूसरी गाड़ियों में ट्रैवल कर चुके हो तो ये आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने वाली है फॉर्च्यूनर। अनकंफर्टेबल इसलिए क्योंकि यार ये गाड़ी जो है वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी हेवी है, लेडर फ्रेम पे है, तो इसके अंदर वो बहुत ही ज़्यादा एकदम बोलते हैं ना कि प्यारा कम्फर्ट वो तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो डायमेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। उस चक्कर में होता ही है कि इसकी अंदर थोड़ा सा जो है वो बॉडी रोल हमेशा बना रहता है, आप बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे टर्न वगैरह नहीं कर सकते हो, टर्न इसके पलटने का डर जो है वो थोड़ा सा होता है, तो वो एक बात है। बाकी हेजन सच आप लोगों को अगर पसंद ही है कि यार गाड़ी मेरे को तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी से प्यार है और मैं कैसे भी उसके थोड़े बहुत अगर कौन से तो मैं झेल लूँगा, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो कोई चीज़ आपको अगर उसकी बुरी भी होती है तो आप मैनेज कर लेते हो, वो चीज़ आपको फॉर्च्यूनर के अंदर करनी पड़ेगी कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो आप मैनेज करना आपको सीखनी पड़ेगी अगर आप फॉर्च्यूनर लेते हैं तो, और अगर वो आप मैनेज कर लो तो यार इससे बढ़िया कोई गाड़ी है ही नहीं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं आपको वो चीज़ क्लियर करता हूँ, रिलायबिलिटी। जी हाँ, टोयोटा की गाड़ी की जो रिलायबिलिटी है यार भाई साहब नेक्स्ट लेवल। लोगों ने 5-5 लाख किलोमीटर गाड़ी बिना इंजन खुलवाए चला ली है, जो मेजर सर्विस है टाइम पे करवाई है, ऑयल चेंज करवाते गए, एयर फिल्टर क्लीन करते गए, 8-10 हज़ार रुपये की मेंटेनेंस कॉस्ट में गाड़ी 50 लाख रुपये की गाड़ी चल रही है, ये इस चीज़ का ही तोड़ नहीं है। और फिर उसके बाद में जब आप बेचने जाओगे तो यार पैसा आपके पास बहुत ही बढ़िया आ जाता है, रीसेल वैल्यू आपके पास जो आती है वो नेक्स्ट लेवल कमाल की। तो ये जो फ़ायदा है ना वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को टोयोटा फॉर्च्यूनर दे सकती है।
अब अगर ग्लॉस्टर लोगे तो ग्लॉस्टर नो डाउट कंफर्टेबल है, ठीक है, बट उतनी हार्ड कोर ऑफ रोडिंग आप ग्लॉस्टर से नहीं कर सकते हो जितनी इससे कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद में उसका इंजन इतना ज़्यादा पंची नहीं है जितना इसका है, 200 BHP 500 Nm ऑफ टॉर्क। ईको में ही मैंने मोस्टली इसको चलाया है, ईको में इतनी तगड़ी पावर, स्पोर्ट्स में डालता हूँ रॉकेट बन जाती है गाड़ी, मतलब एक डायरेक्शन में प्लेस करके पूरा पंजा दबा दो ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल, मतलब गाड़ी जाती है बहुत ही प्यारा, मतलब 0 to 100 में काटा ऐसे आता है। और उसके बाद में अगर आप 100 पे हो और आपने अगर मान लो एक्सेलरेट करा गाड़ी को, तो उसके बाद में भी जिस स्पीड से 0 to 100 पे आया ना, उस स्पीड पे 100, 150, 160 ऐसे जो है वो कांटा जा रहा होता है, मतलब कहीं पे भी टॉर्क जो है वो आपको कम फील होगा ही नहीं गाड़ी के अंदर। ये चीज़ मुझे जो है वो कार की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है, काफ़ी पावरफुल है कार अपने सेगमेंट के अंदर, मतलब वो चीज़ है। अब जो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी कि यार मेरे 55-60 लाख रुपये लग रहे हैं और मेरे को मिल क्या रहा है, रिलायबल गाड़ी, अच्छा इंजन, उसके अलावा क्या। अगर आज मेरा फ्रेंड भी गाड़ी में बैठेगा तो वो बोलेगा क्या तू वायर से कनेक्ट करके एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो यूज़ कर रहा है क्या यार, फोकटी 50-60 लाख रुपये तेने बर्बाद करे, मेरी तो 10 लाख रुपये की गाड़ी के अंदर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, 360 कैमरा मिल जाता है, सनरूफ मिल जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है वो चीज़। आपको फीचर के नाम पे एक वेंटिलेटेड सीट मिलती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करती है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी कमी आपको लगती है, एडास इसके अंदर आपको नहीं आता यार, 15-20 लाख रुपये की गाड़ियों में एडास मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको एडास नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ें जो है फीचर की आपको कमी लगेगी, बट अगेन आप लोगों ने गाना सुना ही होगा, फीचर देख के कार नहीं लेते, इंजन तगड़े चक्की दे, तो वही चीज़ है, गाड़ी का इंजन, गाड़ी का जो बिल्ड क्वालिटी है, गाड़ी की जो रगेडनेस है, गाड़ी का जो टफनेस है, जो गाड़ी कहीं से भी निकलती है, ये चीज़ का जो मज़ा है ना यार, ये फॉर्च्यूनर के अंदर ही है। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता कहीं गाड़ी उतारने के लिए, सड़क हो या नहीं हो, गाड़ी आपको कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ मैं निकल जाऊँगी, आप मेरे को लेके तो चलो वो। और उसके बाद में फिर अगर आप लंबा जा रहे हो ना तो भी आपको दिक्कत नहीं आती है कि यार कुछ काम आ जाएगा गाड़ी में, नहीं कुछ नहीं आना है, मतलब आप बस टाइम पे इसकी सर्विस करवाते रहो और चलाते रहो, जितना सर्विस शेड्यूल है उतनी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ईजिली जो है वो कार आपका साथ देती रहती है। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, जिसमें मैंने कुछ कॉन्स भी बताए, कुछ प्रोज भी बताए। अब अगर मेरे पास में 50 लाख रुपए हैं तो क्या इस कार को मैं परचेज करूँगा, तो देखो अगर मेरी प्रायोरिटी है कंफर्ट तो मैं इस कार को नहीं लूँगा, बट अगेन मेरी प्रायोरिटी ऐसी है कि जहाँ मैं निकलूँ मेरे को लोग पलट के देखे यार, मेरी गाड़ी रिलायबल होनी चाहिए, मेरे को रीसेल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा जेब पे नहीं पड़नी चाहिए, तो मैं इस कार को परचेज करूँगा। तो मैंने आपको सीधे सरल भाषा में सारी चीज़ें जो है वो समझा दी है कि क्यों कार को लेनी है, क्यों कार को नहीं लेनी है। अब अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो कि यार अभी भी ये चीज़ रह गई है, ये चीज़ समझनी है, तो बताओ। अब मैंने कोई ऑफ रोडिंग वगैरह करके इसलिए नहीं बताया, या इंट्रो या सिनेमेटिक फुटेजेस वगैरह, क्योंकि लिए दिन भर तो फॉर्च्यूनर की रील देखते हैं, दिन भर अपन ऑफ रोडिंग की कोई ना कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, हर कोई लगा हुआ है और अरे फॉर्च्यूनर। तो जो रियलिटी है मैं चाहता था कि वो आप लोगों के सामने लेके आऊँ कि यार जिसके 50 लाख रुपये लग रहे हैं तुम देख रहे हो, ठीक है, जिस दिन तुमको 50 लाख 60 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे ना, तब तुम ये वाली वीडियो देखोगे, ये वीडियो तुमको तब काम में आएगी। तो यार जिन लोगों को 50-60 लाख रुपये का बजट और गाड़ी लेने में वो कन्फ्यूज होना, तो उनको ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि लिए मैंने अपनी समझ के इस गाड़ी को आज तक चलाया है, और जो मुझे अच्छा लगा वो भी बताया, जो अच्छा नहीं लगा वो भी मैंने बताया। अब माइलेज की अगर बात करता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैंने फॉर्च्यूनर से 15 का माइलेज निकाल लिया, यार निकाल सकते हो आप, 60 पे चलाने के लिए फॉर्च्यूनर अगर खरीदे हो तो 14-15 का माइलेज गाड़ी दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप गाड़ी खरीदे हो 50-60 लाख रुपये की, आपको मज़ा लेना है, ठीक है, तो ओवरऑल मिक्स कंडीशन में जिसमें आप भगा लो, सिटी ट्रैफिक में चला लो, घर वालों को बिठा के चला लो, सामान भर के चला लो, मतलब जो पूरा मिक्सचर जो 80 लीटर के टैंक का आएगा ना, वो आएगा 10-11 किलोमीटर पर लीटर के आसपास। हाँ, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा लोड भर दिया और आप बिल्कुल एकदम रेड लाइन करते हुए चला रहे हो, पूरा एकदम दबा के चला रहे हो, एक्सेलरेटर को प्रेस करके चला रहे हो, तो सिंगल डिजिट में माइलेज चले जाएगा, 8-9 के आसपास आएगा। बट ओवरऑल मैं एक बता रहा हूँ आपको कि जैसे इंडियन कंडीशन में गाड़ी आप चला पाते हो, जिस स्पीड में आप मूव हो पाते हो, वहाँ पर आपको जो माइलेज है वो अराउंड 10 KMPL के आसपास का आप लेके चलो, उतना माइलेज आपको मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेयरिंग की अगर बात करें तो स्टेयरिंग यार देखो हाइड्रोलिक है, बट अगेन कॉन्फिडेंस आपको रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा ये जो मूव जो है वो करती रहती है, तो पूरे टाइम आपके हाथ में जब अब तक आपका हाथ यहाँ रहता है ना, आपके हाथ के अंदर थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो गाड़ी का आता रहता है, वही चीज़ है। हेडलैम्प गाड़ी के बहुत ही शानदार है, कोई परेशानी नहीं है, हेडलाइट लेवलिंग जो है प्रॉपर तरीके से होती तो मज़ा आ जाता, बाकी तो ऐसा है कि यार हाई बीम पे चलाना नहीं चाहिए, बट कई कई बार मेरे को भी ऐसा लगा कि लो बीम बहुत ही ज़्यादा पास में थ्रो हो रही है, ठीक है, तो जब आप 100 क्रॉस करते हो तो आपको झक मार के हाई बीम करनी पड़ती है, बट मैंने कोशिश यही करी कि सामने से कोई नहीं आ रहा है तो हाई बीम,
कोई आ रहा है तो मैं हाथों हाथ स्पीड स्लो करके लो बीम कर दे रहा था। तो इतना मतलब लाइक थोड़ा सा रूल फॉलो करो या थोड़ा मतलब लाइक दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखो, वो चीज़ है। बाकी कोई परेशानी जो है वो हैज़न सच नहीं है। देखो ब्रेक्स भी काफ़ी बढ़िया हैं, गाड़ी एकदम कंट्रोल में हो गई, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। और ये ऐसे बीच में मत चलो, लाइक चलना है तो इस तरफ चलो या उस तरफ चलो, लेन को काट के मत चलो। तो थोड़ा सा मतलब लाइक अपनी ड्राइविंग स्किल्स जो है वो भी इम्प्रूव करो तो बेटर रहेगा। अब ओवरटेकिंग लेन वो होती है गलती, मतलब लाइक करें क्या, दूसरों के चक्कर में इस लेन से ओवरटेक करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, तो वो एक बात है। बाकी यार इस कार के जो मज़े हैं, मतलब घर के सामने जब ये खड़ी रहती है ना तो आपको खुद को एक प्राउड फील होता है कि आपने कुछ अचीव कर लिया। बट अगेन बात वही है कि आपको लाइक मैटर नहीं करता इतना ज़्यादा मेंटेनेंस वगैरह, और कंफर्ट आपको चाहिए तो यार आप फिर BMW X1 ले लो। BMW X1 में आपको बढ़िया कंफर्ट मिल जाएगा, बट अगेन 7-सीटर नहीं मिलेगी, वो रोड प्रेजेंस आपको नहीं मिलेगी, वो रिलायबिलिटी भी चलो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, BMW की गाड़ी में कुछ होता नहीं है, बट कुछ नहीं होने के चक्कर में आपको काफ़ी ज़्यादा उसका मेंटेनेंस जो है वो उठाना पड़ सकता है। बाकी एज एन सच कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर, गाड़ी बढ़िया है। और सनरूफ जो है वो नहीं है तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सनरूफ की कंप्लेन मैं नहीं करूँगा, बिकॉज सनरूफ का कोई एज एन सच मुझे इतना शौक है भी नहीं और वो ज़रूरत भी होती नहीं है गाड़ी के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये था एकदम डिटेल प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट रॉ रिव्यू ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर 2023। अगर आपको पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, और नीचे कमेंट जरूर से करके जाना कि कौन सा नेक्स्ट गाड़ी का ऐसे ही एकदम प्रैक्टिकल रिव्यू देखना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि फिर सारी फुटेजेस में क्या होता है, आपको वॉक अराउंड करके बता रहे हैं, फीचर्स आ रहे बता रहे हैं, सिनेमेटिक शॉट्स डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, बहुत टाइम हो जाता है। मैंने सोचा गाड़ी को मैं अच्छा खासा टेस्ट करता हूँ और एकदम POV फॉर्मेट में रख देता हूँ पूरा रिव्यू आप लोगों के सामने, ताकि आपका मेन जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाए। अगर हो गया है तो प्लीज़ उसके लिए एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। कनेक्ट होने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, वहाँ पर कई सारी रील्स वगैरह सभी चीज़ें जो है आप लोगों को मिलती रहेगी। गाइस ड्राइव सेफ, राइड सेफ।